मैं इस रेड कार्पेट पर हूँ रांची क्लब स्नूकर प्रीमियर लीग इस इवेंट में, और रेड कार्पेट पर कई टीमें के ओनर से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त NWT के ओनर असलान सोजला मेरे साथ है। असलान, बहुत बहुत मुबारक हो। ऑक्शन तो कमोबेश होगा या हो गया, लेकिन टीमें जो सिलेक्ट की है असलान आपसे, क्योंकि मैं ऑक्शन के बाद बात कर रहा हूँ, कैसा रहा आज का ऑक्शन? इट वॉज द फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये ऑक्शन होस्ट किया है। आई थिंक पाकिस्तान में कराची क्लब इज द फर्स्ट वन टू होस्ट दिस इवेंट, एंड सो फार जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक उससे ज्यादा बेटर जा रहा है, एंड पीपल आर लविंग इट। इवन द प्लेयर्स, उन्होंने प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हमें ये फीडबैक दे रहे हैं कि उन्होंने कभी इस तरह का इवेंट कभी देखा नहीं है। नो डाउट, ये सबके लिए है बात की। क्रिकेट में ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स में भी, लेकिन स्नूकर में ऑप्शन का ये आइडिया ओवरऑल कैसा रहा? आई थिंक कराची क्लब इज द फर्स्ट वन टू होस्ट एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग के सारे जो एजेंट जो हमारे प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स वो भी बड़े खुश है इस चीज को लेकर के कराची क्लब हमेशा स्नूकर में सबसे आगे प्लेटफॉर्म पे रहा है, तो होपफुली फर्दर ही और अच्छा ही जाएगा। अब फाइनली ये टीम सिलेक्शन हो चुका है, आपने अपनी टीम सिलेक्ट कर ली है, कैसे देख रहे हैं इस टीम सिलेक्शन को और जो सोचा था ऑन पेपर वो अब ऑन ग्राउंड भी नजर आएगा? देखिए सर, जिन्होंने जो सोचा है आई थिंक वो अपने पेपर पर तो स्ट्रांग होंगे, बट इट्स अ सिंगल फ्रेम इवेंट, तो सिंगल फ्रेम में हर कोई एग्रेसिव होता है, और अगर कोई बड़ा प्लेयर है कोई छोटा प्लेयर है सिंगल्स में कुछ भी हो सकता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असलान ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, और सिंगल फ्रेम के गेम के अंदर अनएक्सपेक्टेड ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो बड़े गेम में नहीं हो सकती। लेट्स सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होने वाला है, हम सबके साथ जुड़े रहिए।